नंबर सबका आएगा, अगर आप सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये सबको बर्बाद कर देंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। किसानों की व्यथा सुनाने से पहले ये बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले एक वादा किया था देश के किसान को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपको आपकी फसल कम से कम कितने दाम पे बेचनी है ये चीज सरकार तय करती है। और वो सरकार इसलिए तय करती है क्योंकि किसान का जो अनाज है, कपास है, धान है, गेहूं है, ये एक व्यापारी वर्ग खरीदता है और वो व्यापारी वर्ग संपन्न है, अमीर है, मजबूत है और किसान गरीब है, मजबूर है। तो ये दो लोग अगर एक दूसरे से धंधा करेंगे तो धंधा बराबरी का धंधा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया देश के किसान को कि जितनी आपकी लागत होगी उसके डेढ़ गुना एमएसपी का वादा उन्होंने किया। अब किसानी का धंधा भी इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म है, किसान को मजबूर किया जाएगा कि वो एपीएमसी मार्केट के बाहर दबाव में, नुकसान में अपनी फसल को बेचे। पंजाब के अंदर जैसा कि केंद्र ने फॉर्मेलिटी के लिए कहा कि 23 फसलों के ऊपर एमएसपी है, मगर सिर्फ गेहूं और धान को छोड़ के बाकी फसलों पे एमएसपी नहीं दी जा रही है। कोई खरीदने वाला है ही नहीं सरकार की तरफ से, किसान बेचेगा किसको? पंजाब में एक बड़े हिस्से में मालवा वाला जो इलाका है जिसके अंदर भटिंडा, संगरूर, मनसा, फजिलका, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बरनाला ये जिले आते हैं, इसके अंदर देश का सबसे अच्छा कपास, करीब 11 लाख बेल कपास यहाँ पे उगता है और सरकार ने कहा है कि यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो है 5750 रुपए क्विंटल। ये सरकार ने कहा कि 5750 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, मगर खरीद नहीं रहे। इसके ऊपर ऐसी कंडीशंस लगा दी गई हैं कि किसान चाह के भी नहीं बेच सकता। आप सोचिए, वो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसकी बच्ची की शादी कैसे होगी? अगली फसल के लिए बीज और खाद कहां से खरीदेगा? ये इस साल का हाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास ऐसी खबरें आई हैं, 1800 रुपए धान का एमएसपी है मगर खरीदने वाली सरकार नहीं है, उसको 1100 रुपए एमएसपी पे बेचने पड़ रही। तो पहले तो ये किसान को बर्बाद करेंगे, उसी किसान की जमीन पे उसको मजदूर बनाएंगे, उसको बंधवा मजदूर बनाएंगे, उसको अपना स्लेव बनाएंगे और फिर वो जो अनाज पैदा होगा उसका भंडारण करके दाम बढ़ाएंगे। तो नंबर आपका भी आएगा, मगर ये साइकिल में 4 से 5 साल लगेंगे। 4-5 साल बाद जब ये बड़े बड़े उद्योगपति देश की एक एक इंच के मालिक होंगे, वो किसान जो अपनी जमीन का मालिक है वो उस जमीन पर मजदूरी कर रहा होगा, उस वक्त एक एक दाना अनाज का इन उद्योगपतियों का होगा और उसका भंडारण ये करके रखे होंगे और इनकी मर्जी होगी ये चीन में बेचे या इटली में बेचे या उस दाम पे आपको बेचे। आपके हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा, किसान के हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं किसान के दर्द को मेरे वो दोस्त भी समझे जो किसान नहीं है, क्योंकि नंबर सबका आएगा। मैंने सबकी लिस्ट बताई, बहुत सारे फिल्म एक्टर बहुत मोदी जी के साथ फोटो खिंचाते थे, सेल्फी विद मोदी जी, नंबर उनका भी आ गया। उनको लग रहा था हमारा नंबर क्यों आएगा, हमारा को क्या लेना देना, उनका भी नंबर आया, वकीलों का भी नंबर आया, युवाओं का भी नंबर आया, दलितों का नंबर आ रहा था तो ब्राह्मणों को लग रहा था कि हमारा नंबर क्यों आया, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का भी नंबर आ गया। नंबर सबका आएगा, अगर आप सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये सबको बर्बाद कर देंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं।